हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लुधियाना पंजाब में कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रोसेस है। यह वीडियो स्पेशली लुधियाना पंजाब के कपल के लिए बनाई गई है। आज हम बात करेंगे लुधियाना पंजाब में अगर कोई कपल कोर्ट मैरिज करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या फीस होगी, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और क्या प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, पहले एज की बात करें तो लड़के की एज 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लड़कियों की 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। इससे रिलेटेड दोनों के पास कोई भी एज और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया, केवल दो डॉक्यूमेंट हों। एज प्रूफ की बात करें तो 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक सिंगल आईडी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइल, बैंक पासबुक, कोई भी आईडी आपके पास है तो इनमें से तो आप उसको अपने एड्रेस प्रूफ में यूज कर सकते हैं कोर्ट मैरिज के लिए। तो दोस्तों, केवल यह डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसके व्याप पर आप अपना इजीली मैरिज करा सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए लुधियाना पंजाब में दो प्रोसीजर होते हैं। पहला तत्काल यानी इंस्टेंट प्रोसीजर, जिसमें पहले शादी होती है गुरुद्वारा साहिब में या किसी मंदिर में आप शादी कर लें और उसका विद इन ए वीक में कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लें। इस प्रोसीजर में केवल एक हफ्ते का टाइम लगता है। दूसरा प्रोसेसर वह होता है जिसमें कोई मंदिर मैरिज या गुरुद्वारे में शादी कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस प्रोसेस में डायरेक्ट फर्स्ट डेट पे एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में और 30 से 40 डेज बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए दिए क्या चाहिए होंगे। दूसरा दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए जो सबसे मैंडेटरी है, दो विटनेस चाहिए होंगे। विटनेस के लिए लुधियाना पंजाब गवर्नमेंट ने फैमिली विटनेस को मैंडेटरी किया हुआ है। अगर हम फैमिली की विटनेस नहीं करा रहे हैं, किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स की करा देते हैं तो इस सिनेरियो में कोर्ट घर पर नोटिस भेजती है। अगर फैमिली आपकी एग्री है, फैमिली की कंसेंट है मैरिज को लेकर के, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, फैमिली के अगेंस्ट जा करके कर रहे हैं या अभी आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर में आपकी प्रैक्टिकली मैरिज नहीं हो पाएगी। बट डरने घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप विदाउट फैमिली की कंसेंट के, विदाउट नोटिस के मैरिज कराना चाह रहे हैं तो आप अपना इजली मैरिज दिल्ली में आकर के करा सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली में कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई एक महीने का टाइम नहीं लगता है। यहाँ बड़ा इजी सा प्रोसीजर, वन डे में शादी और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। ना ही कोई घर पर नोटिस जाता है, ना ही फैमिली की विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज कभी भी किसी के घर कोई नोटिस नहीं जाता है, इवन ना ही किसी को पता चलता है जब तक कि आप लोग अपनी तरफ से किसी को न बताएं। तो इस तरीके से आप इजीली, अगर आपका मैरिज वहाँ नहीं हो पा रहा है तो आप दिल्ली में आकर के अपना मैरिज करा सकते हैं। दिल्ली में मैरिज करने के लिए यहाँ की किसी लोकल आईडी एड्रेस प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सेम डे में शादी होती है और सेम डे ही कोर्ट से कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। बट दोस्तों, यहाँ पर भी मैरिज करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी होंगी जो आपको एज पर लो फुलफिल करनी होंगी। एज और एड्रेस प्रूफ तो हमने बता ही दिए कपल के क्या चाहिए होंगे। दो विटनेसेस यहाँ भी चाहिए होते हैं, बट विटनेस यहाँ पर आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो कोर्ट में अपना नाउन टू किसी के भी विटनेस करा सकते हैं। विटनेस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इजीली आप इधर आकर के अपना मैरिज करा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, सबसे ज़रूरी यह है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी मैं ऑनलाइन मैरिज करा के आपको पेपर भेज दूंगा, आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या कोई यह कहता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट से मैरिज हो जाएगी, लुधियाना में तो नहीं हो रही। तो सो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से लिव इन की पिटीशन फाइल होकर के लिव इन का ऑर्डर होता है कि दोनों बालिग के साथ रह सकते हैं, ना कि वहाँ कोर्ट में होती है। जनरली लोग लुधियाना और चंडीगढ़ में इसी तरीके से करते हैं कि शादी तो नहीं, घर पर नोटिस जाएगा, कपल को मिसगाइड कर देते हैं, ठीक है आपका मैरिज डायरेक्टली चंडीगढ़ हाई कोर्ट से कराते हैं। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का भी मैरिज नहीं कराती है। सब रजिस्ट्रार एचडी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। हाई कोर्ट केवल पुलिस प्रोटेक्शन देती है, वो भी कोर्ट मैरिज के ऊपर देती है। तो कोर्ट मैरिज के नाम पर लिव इन न कराएं, वरना आपको बाद में कानूनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से बचें। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपकी और भी कोई क्वेरी है, आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं या कोर्ट मैरिज करने के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी आप हमें मंडे टू संडे यानी 7 दिन सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।